प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 इतिहास के क्रमवार नोट्स में एक महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। प्रश्न है, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। बहुत बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले भी अपलोड कर दिया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए दोबारा से अपलोड किया जा रहा है। बहुत ध्यान से समझना, पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो, महाभारत का एक ही रचयिता था यह कहना अत्यधिक कठिन है। देखो, महाभारत का जो मेन रचयिता है वेद व्यास को माना गया है, लेकिन एक था ये कहना कठिन है। इसके विषय में निम्न तर्क महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझना। नंबर एक, महाभारत का रचना काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक माना गया है, यानी 5000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक माना गया है। इतनी दीर्घ अवधि तक, यानी 1500 साल है। देखो, लगभग महाभारत शुरू में 10,000 श्लोकों का था, बाद में 1 लाख से अधिक श्लोकों का बन गया, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इन सब चीज़ों में इतनी दीर्घ अवधि तक, यानी 1500 साल की दीर्घ अवधि तक किसी रचयिता का जीवित रहना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि इनका एक ही रचयिता था। दूसरा, वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं जो विभिन्न प्रारूप स्मृति व काल में लिखे गए हैं। जो महाभारत के 1 लाख श्लोक हैं वो अलग अलग समय में लिखे गए हैं, कोई किसी काल का है, कोई किसी काल का है, तो इस स्थिति में एक रचयिता के विषय में संदेह उत्पन्न होता है। तीसरा, महाभारत के रचना काल में अनेक क्षेत्रों का वर्णन है और उनके से संबंधित प्रभावों का भी समावेश हो चुका है, अलग अलग क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अतः महाभारत को के बारे में कहा जा सकता है कि ये किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि महाभारत किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं, अपितु क्षेत्रीय प्रभाव से युक्त है, यानी किसी एक क्षेत्र का नहीं, अलग अलग क्षेत्रों का है, और एक ही व्यक्ति उस समय अलग अलग क्षेत्रों में जाके लिख सकता है, इसके बारे में भी संदेह उत्पन्न होता है। अगला है, महाभारत में संस्कृत भाषा में लिखी गई, किंतु इसमें क्षेत्रीय भाषाओं पाली और प्राकृत भाषा का भी प्रभाव है। देखो, जो मूल महाभारत है वो संस्कृत भाषा में है, लेकिन उसमें क्षेत्रीय भाषा पाली का भी वर्णन है और प्राकृत का भी वर्णन है, जो एक लेखक के मत का खंडन करता है। ऐसा लगता है कि एक लेखक नहीं होगा, इसके भी दुविधा उत्पन्न करता है, संदेह उत्पन्न करता है। उपरोक्त तथ्य एक लेखक के मत का खंडन करते हैं। महाभारत की मूल कथा संभवतः भाट सारथी ने लिखी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत की जो मूल कथा थी वो भाट सारथी ने लिखी। भात उस समय भाट और चारण नाम की कुछ जातियाँ हुआ करती थी, जो लोगों के साथ रहा करती थी, युद्ध क्षेत्र में जाती थी और वहाँ उनकी कहानी लिखा करती थी। तत्कालीन समाज में चारण और भाट एक व्यावसायिक कला थी, जिसमें राजाओं की कीर्ति का बखान किया जाता था। ये योद्धाओं के साथ युद्ध में जाते थे तथा उनकी विजय व उपलब्धियों पर कविताएँ लिखते थे। इन कविताओं का वैदिक रिवाज के समान मौखिक प्रसार हुआ। देखो, धीरे धीरे ही इनका मौखिक प्रसार होता चला गया, जो उन्होंने कहा। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इसे लिपिबद्ध करने का कार्य प्रारंभ हुआ। देखो, पहले महाभारत की कहानी थी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास गई, दूसरे को तीसरे के पास गई, सुनते रहे वो, और फिर लिपिबद्ध करने का हुआ। इसका जो हुआ 500 ईसा पूर्व हुआ, और 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य, यानी इन 400 सालों में महाभारत काल के रचना काल का एक और चरण देखने को मिला। देखो, यह वह समय था जब श्री कृष्ण को महाकाव्य के जो नायक हैं उन्हें भगवान विष्णु के अवतार माने जाने लगा। देखो, इन 400 सालों में जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ, यानी 200 ईसा पूर्व हो चुका था, वहाँ से लेके 200 तक, यानी 400 सालों में भगवान कृष्ण को जो इसके महाकाव्य के नायक हैं उन्हें विष्णु का अवतार माने जाने लगा। इसके बाद 400 ईस्वी तक मनुस्मृति से मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण इसमें जोड़े गए। देखो, मनुस्मृति जो पुष्यमित्र सुंग के काल में लिखी थी मनु ने, उसके भी इसमें उपदेशात्मक प्रकरण इसमें जोड़े गए, और इसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक महाकाव्य जो लगभग 10,000 श्लोकों का था, बढ़ते बढ़ते 1 लाख श्लोकों वाला हो गया। साहित्य परंपरा के अनुसार इसके जो रचनाकार हैं वो ऋषि वेदव्यास माने जाते हैं। उपरोक्त सभी से स्पष्ट है कि महाभारत का एक रचयिता मानना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने मिलजुल के लिखा है। धन्यवाद।